भारतीय रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के बीच एक श्रमिक ट्रेन को चलाई और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे आखिर इस ट्रेन को लेकर के कितनी और ट्रेन आने वाले कुछ दिनों में चलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रेलवे का सारा ऑफिशियल न्यूज आपको यहीं पर मिले और इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। भारतीय रेलवे ने आनंद विहार से भागलपुर के बीच तीसरी बार स्पेशल ट्रेन को चलाई है और यह ट्रेन बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन को आई। आपको बता दें कि इस ट्रेन का परिचालन आनंद विहार से भागलपुर के बीच किया जाना था और इसको लेकर के ट्रेन भागलपुर जैसे ही पहुंची वहां पर लोगों का स्वागत किया गया और वहां पर टेस्टिंग के साथ स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह जांच करते हुए उनको क्वारंटीन और वापस घर भेजने का निर्णय लिया। भागलपुर के कई यात्री बाहर फंसे हुए हैं, इसको देखते हुए भागलपुर के लिए आने वाले कुछ दिनों में विशेष ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी राजधानी एक्सप्रेस चालन यहां पर भागलपुर के लिए नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि भागलपुर के लिए एक राजधानी एक्सप्रेस आनंद विहार से चलाई जा सकती है, लेकिन अभी तक रेलवे ने इस पर विचार नहीं किया है। कुछ दिनों में जल्द ही इस पर विचार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर भागलपुर के लिए सीधी राजधानी एक्सप्रेस का तोहफा मिल सकता है जिसमें सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्री ही सवार हो सकते हैं और इन ट्रेन से सफर करने का मौका उन्हीं को मिलेगा जो लोग बाहर फंसे हुए हैं या फिर जो लोग श्रमिक हैं, मजदूर हैं, यात्री हैं या पर्यटक हैं। जो लोग बाहर फंस गए हैं उनको और सिर्फ उनके लिए ही यह ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिर आनंद विहार से कितनी ट्रेनें और रेलवे चलाएगी बिहार के लिए। कुछ दिनों में जल्द ही रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या में वृद्धि कर रही है। इसको देखते हुए रेलवे ने 1000 ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है और इसमें बिहार के लिए भी विशेष ट्रेन शामिल है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना कमेंट अवश्य लिखें।